गाइस वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल, दिस इज विकेट राइडर। एंड आज हम लोग चंडीगढ़ से राइड स्टार्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा चंडीगढ़ के जस्ट बाहर रहता हूँ, तो ये आ गया है वेलकम टू चंडीगढ़ द सिटी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड बहुत मेंटेन करके चलनी पड़ती है क्योंकि स्पीड कैम्स लगे हुए हैं। आज का प्लान ये है कि यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं केलोंग बट या फिर जिस्पा, बट अभी थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग। 9:19 हो गए ऑलरेडी। 3 दिन से हम लोग 800-900 किलोमीटर का राइड कर रहे थे, तो उसकी वजह से हम लोगों ने आज थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। और अगर हम लोग मनाली के आगे स्ट्रेच कर पाएंगे और टाइम पे पहुंच जाते हैं बिफोर सनसेट, तो हम लोग केलोंग या जिस्पा तक जाएंगे। अदरवाइज़ हम लोग यहाँ से मनाली में ही स्टे करेंगे। देन यहाँ से रूट जो है आप लोगों को स्ट्रेट ही पड़ेगा। तो आज से जो मेन व्लॉग है वो शुरू होगा और ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा कवर अप हो सकता है पूरा रास्ता आप लोगों को बताएंगे, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा अभी जिसने भी राइड प्लान करनी है। डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, और पूरी सीरीज़ भी आप लोग देखो जिससे कि पता लगेगा क्या 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 जगह है एक्सप्लोर करने के लिए और कैसे कैसे आप लोगों को प्लान कर रहे हैं। हाँ जी नहीं, ये सब जैकेट वैकेट में सही रहता है थोड़ा सा। हाँ हाँ वही। चलो जी, अच्छा लगा मिल गया। बढ़िया जी। तो अभी हम लोगों को एक भाई मिल गए थे, उनको बहुत शौक़ था राइडिंग वाइडिंग करने का, तो बता रहे थे कि वो भी करते हैं। और उन्होंने चैनल वैनल पूछा, सब्सक्राइब कर दिया। हम लोग यहाँ से न्यू चंडीगढ़ और बद्दी एरिया ये चल रहा है अभी। यहाँ से एक बाईपास जाता है, एक्चुअली वो मेन रूट पे दोबारा ज्वाइन कर देता है जो हाईवे जाता है मनाली के लिए। ये देखो जे एस पाजी का डायलॉग यहाँ पर लिखा हुआ, मेहनत मेरी रहमत तेरी और प्यार आप सभी का। गल हक दी कमाई ट्रक दी, भाई जी कोई कोई कर दा। ये देखो भाई क्या बात है, क्या नज़ारे हैं, हरा हरा अच्छा दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ पे फॉरेस्ट, वहाँ पे गुरुद्वारा है। लैंडस्लाइड हुआ है भाई पूरा नीचे, बाय गॉड आधी रोड पूरी निकल गई है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से बिलासपुर 40 किलोमीटर्स है और मंडी 105 है। क्या मस्त सा लग रहा है। और यहाँ से हम लोग ना बिलासपुर की तरफ जा रहे हैं। अभी ये वाला जो ब्रिज है इधर से क्रॉस कर रहे हैं हम लोग उधर वाली साइड में, अब उस पहाड़ी को चढ़ेंगे। इससे स्ट्रीम आता है आई थिंक सो, बट ये तो अभी यहाँ से एक और जगह आता है जहाँ पे वो हाइड्रो पावर प्लांट है, वो थोड़ा सा और आगे जाके आता है। तो अभी कैन वी गो, वो नाले में गिरी गया। ओके पाजी आज दिन आज आज निकल जाते हैं। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बहुत बढ़िया। अभी हम लोगों को बाइक्स पे तो नहीं रोका, बट यहाँ पे पीछे लंबा लाइन लग रखा है, अब जाके ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे सब बाइकर वाइकर सारे ही बाइकर जा रहे हैं लेह लद्दाख, बहुत मिल रहे हैं मतलब। अब तो अभी यहाँ से हम लोग डाउन हिल पूरा जाके सुंदर नगर एंटर करेंगे विच इज़ 25 किलोमीटर्स। वो कुल्लू के बाद में जो अपने को हाईवे मिलेगा ना, ट्रस्ट मी मैन बहुत अमेजिंग वाला है। देखो पूरा एंड तक वीडियो, मस्त मज़ा आएगा। बहुत सही लग रही है पहाड़ी आगे वाली, वो पूरा क्लाउड से कवर हो गई है। कोल डैम ये इधर से देखो पूरा रिवर जा रहा है और ये पूरा ओए मज़ा आ गया। वी आर इन सुंदर नगर राइट नाउ और यहाँ से हम लोगों को स्ट्रेट जाना है मंडी। तो ये वाला जो एरिया है ये वैसे स्ट्रेट आ गया है। अभी हम लोग मनाली स्वीट्स एंड बेकर्स शॉप पे हैं। यहाँ पे इस साइड पे लेक है, मैं लास्ट टाइम भी आया था, और थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक पी के चलते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो डिहाइड्रेशन हो रहा है। मंडी पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में और बहुत ब्यूटीफुल सा ब्रिज आता है ये देखो, बड़ा अमेजिंग व्यू। सो ये अभी हम लोग आ गए हैं मेन मंडी शहर में। उधर साइड से एक पता नहीं क्या कोई सा रास्ता ब्लॉक था, कहाँ तो रहा है रूट। आगे बहुत ज़्यादा कंजेशन आने वाला है यार, आई डोंट थिंक सो। कितना टाइम दिखाएगा, 3 hours 8 minutes दिखा रहा है। 4:42 हो चुका है, बाई 8 o'clock ओनली विल रीच जो 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, डैट इज़ फ्रॉम कुल्लू टू मनाली। तो उधर वाले में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत अच्छा है।
वही देखो, ये पूरा घूमने वाला एरिया है, यहाँ पे बीच में मंडी शहर में है। और यहाँ से दोबारा लेफ्ट मुड़ के विल जॉइन द NH। उस साइड में, उस वाले रास्ते में कहीं पे कंजेशन था, बट नाउ इट इज़ गुड। अच्छा रास्ता बना रखा है यार। एंड भी हम लोगों को यहाँ से 101 किलोमीटर दिखा रहा है मनाली। जो 60 किलोमीटर का रास्ता है वो है IIT मंडी के थ्रू, तो हम लोग वो वाला ले रहे हैं। अभी धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन जाएगा, अभी क्योंकि शाम है 4:53 हो चुका है, तो टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे जाएगा। ये देखो, तो अभी हम लोग आ गए हैं पहाड़ी के दूसरी वाली साइड में, और यहाँ से जो नज़ारे शुरू होते हैं ना भाई, मज़ा आ जाता है। लास्ट टाइम जो आया था, ये देखो बाइकर सारे, लास्ट टाइम आया था तो मैंने 1080 में शूट किए थे, बट इस बार मैं 4K में शूट कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को और अच्छा लेवल का एक्सपीरियंस मिले। ये देखो कैसे, क्या सही पहाड़ दिख रहे हैं भाई। यहीं पे कहीं पे मैंने ड्रोन उड़ाया था, एंड मेरे को ड्रोन बीच में कहीं फंस गया था, डिस्कनेक्ट होके, लिटरली मैन मतलब फट गई थी मेरी। जो मेरे को फ्यूल रेंज दिखा रहा है दैट इज़ 207, तो आराम से पहुंच जानी चाहिए। बट देखो, आप लोगों को 4K में अगर देखना है तो मज़ा आ रहा है कि नहीं। ये जो है यहाँ पे, ये जो कैंपस दिख रहा है आप लोगों को नीचे, दैट इज़ IIT मंडी। बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस बना हुआ है यार, मतलब यहाँ से पढ़ाई करो बंदा क्या ही पढ़ेगा। पूरा IIT मंडी है उनका, वहाँ पे प्लेग्राउंड है पीछे साइड में, इनका पूरा जो हॉस्टल्स हैं, बहुत अच्छी जगह। दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट माउंटेंस। आप आराम से धीरे धीरे बाइक चलाते जाओ और व्यू एंजॉय करते जाओ, और ठंडी ठंडी हवा आती है ना, बहुत अच्छा लगता है। 5:29 हो चुका है और 2 घंटा दिखा रहा है। क्या बात है, लोगों के घर कहाँ कहाँ बने हुए हैं यार। और वो देखो भाई साहब, हम लोग एक्चुअली उस पीक तक पहुँचने वाले हैं जहाँ पे पूरा बादल हो रखा है। अभी एक्चुअली थोड़ा सा मानसून होके हटा है, तो ये ग्रीनरी और ज़्यादा है इधर पे, एक तो फोटो बनती है। ओह, ये क्या हो रखा है, अरे यार। ओ भाई, ये दिख रहा है, क्या अमेजिंग व्यू है, अलग लेवल का रास्ता है। थोड़ा सा हॉर्न वॉर्न मार के चलना ज़्यादा बेटर है, बजाय कि उस साइड से कोई आ जाए। वो देखो पूरा, हम लोग जब पीक पे चढ़ जाएंगे तो पूरा क्लाउड्स हो रखा है वहाँ पे। थोड़ा सा आधा थिएटर में पता लग रहा है, बट जो रास्ता है वो इतना बढ़िया है, मस्त ठंडा हो रखा है यहाँ पे, पूरा ग्रीनरी और क्लाउड्स, काफ़ी हाइट पे है ये एरिया। कितनी जगह रुकूं मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, हर एक पॉइंट पे अमेजिंग वाला व्यू है। वो 68 किलोमीटर्स रह गया है मनाली के लिए। यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप लोगों का पेट्रोल ख़त्म होगा तो शॉप्स पे भी मिल जाता है, बट जैसे कि 100 रुपीज़ प्राइस चल रहा है पेट्रोल का, देन यू विल गेट इट अराउंड 170। यहाँ पे थोड़ा सा चाय वाय पी के फिर निकलता हूँ। बैग का तो आज हो गया है कांड, मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, पीछे से नंबर ही नहीं दिख रहा। बनी हुई है, बनानी पड़ेगी। अच्छा, इसको वाइजर लगाना पड़ेगा, मेरे को बहुत ज़्यादा धूल उड़ा रहा है आगे वह गाड़ी वाला। ऐसे में मेरे पास एडवेंचर टूरर होती तो क्या ही बात थी, मतलब। और ये वाली जो पहाड़ी थी, हम लोग क्रॉस करके आए अभी इस साइड में, इधर से जो ये रास्ता सीधा
चला जाएगा। ये यहाँ से सीधा होके उधर पे एंड में मिलेगा, वहाँ पे अपने को ब्यास रिवर मिलेगी और पूरा वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कुल्लू मनाली हाईवे। अभी हम लोग यहाँ से जो कुल्लू मनाली हाईवे है वो ज्वाइन करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोगों को मिल गया है नेशनल हाईवे 3 और इसके बाद में जो हम लोगों को पूरा जो रास्ता मिलता है वो आप लोगों को नदी दिखने लगी होगी मैप में, वो पूरी ब्यास रिवर है। तो ये वाला पूरा है NH3। यहाँ से स्ट्रेट ही जाके भुंतर एयरपोर्ट वाला, वो भी राइट साइड में भुंतर एयरपोर्ट पड़ जाता है। सो ये हम लोग मनाली जाने के लिए रास्ता लिए हैं और कितना मस्त सा नज़ारा है यार, वाओ। और ये देखो यहाँ से पूरा ज़बरदस्त वाला है। और यहाँ से हम लोगों को लेना है लेफ्ट, इधर से वो जो मेन वाला रूट है इस साइड में फेसिंग, तो वो बहुत अच्छा सा व्यू आएगा। रुके थोड़ा सा चाय में पीते हैं, इवनिंग स्नैक करते हैं, देन उसके बाद में हम लोग निकल जाएंगे आगे। देखो वाओ, तो अभी टाइम हो रहा है 8:11। एक्चुअली हम लोग काफ़ी देर रुक गए यहाँ पे और होटल वोटल फाइनलाइज कर रहे थे। यहाँ पे देखो अगर दिख रहा होगा छोटा मोटा लाइट जो हिली एरिया पे है, तो यहाँ से कुछ 41 किलोमीटर्स है, थोड़ा सा पुश कर रहे हैं और राइड इन में रुक रहे हैं जहाँ पे JS पाजी रुकते हैं। और अभी यहाँ से निकलेंगे, 1 hour 18 minutes दिखा रहे हैं। बहुत प्यारी सिटी बसी हुई है, मतलब ये पूरा पॉश एरिया है। तो अभी हम लोग मनाली की तरफ जैसे जैसे जाते जा रहे हैं हवा और ठंडी होती जा रही है। तो अभी हम लोगों का जो स्टे है वो है राइड इन कैफे, जो ये रास्ता है इधर से। अरे हाँ ठीक है, तो ये यहाँ पे ये देखो छोटा सा थोड़ा सा पुल बना हुआ है और यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे आ जाता है होटल राइड इन। ये जैसे जो लाइट वाइट पूरा चमक रहा है, दैट इज होटल राइड इन। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड होटल राइड इन। बहुत ही अमेजिंग जगह है।